हाँ तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं अच्छे हो। तो और पबजी न्यू स्ट्रीट की गेम प्ले वीडियो के साथ आगे हम लोग वापस भाई बात करते हैं यार। ये एक स्क्वाड का गेम प्ले और भाई क्या इसमें जो चीज़ है हम काफ़ी जा रहे हैं इंटेंस सीधे। सिचुएशन है, अब आपको सबसे पहले शुरुआत में ही पता चल जाएगा कि भाई ये वाला गेम प्ले कितना खतरनाक जाने वाला है। भाई इस वाले बंदे को देखो और इसको देखो अबे कैसे किल हमें और करते ही हैं। आ रहा है ये। अब ये इकलौता बंदा था जो भाई मॉल में लैंड हो रहा था और भाई इसको हम लोग काफ़ी इजीली किल करते हैं। और भाई ये वाला किल अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से कर देना इस वाली वीडियो को। अब बात करते हैं चलो आगे। भाई तो इसके यार पास यहाँ पर हम क्या लोग है। मॉल में देखो सब कुछ क्लियर कर लेते हैं और एक दो बॉट आते हैं जिनको हम लोग ये मारते हैं, और बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल ये ड्रोन डिलीवरी हम लोग मंगाते हैं। बट उसमें मैं इस वाले भाई को, मतलब ये वाला बंदा पीछे से आता और भाई मेरे को नॉक कर देता। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपने को रिवाइव वगैरह कराते हैं, उसके बाद भाई अच्छा इस अच्छा वाले बंदे को रश करके किल करने वाले थे। बिकॉज यार आप अगर पीछे से यार देखो मारोगे तो अपना भी दिमाग खराब होता और उसके बाद तो मतलब आपकी शामत आने वाली तय है। तो यहाँ पे हम लोग भाई तुरंत से गाड़ी उठाते हैं और भाई इस वाले बंदे को मारने के लिए निकल जाते हैं आगे। अब तो देखो भाई इसको कैसे क्लियर करते हैं। और भाई एक बंदा इसका ऊपर था जो कि इसको कवर दे रहा था, बट इसको हम लोग बहुत ही इजीली क्लियर कर देंगे। तो भाई दो बंदे इसके हिल पे थे और भाई उसके बाद इस वाले बंदे को तो हम लोग इजीली नॉक दे देते हैं और भाई इसको यहाँ पे अभी हम लोग फिनिश भी कर देंगे। बट यार फिनिश करने हम लोग ओपन में नहीं जा सकते थे बिकॉज अपने ऊपर भी एक रिस्क था कि ओपन में जाओ इसको फिनिश करने और हम लोग भी नॉक हो सकते थे। इस वजह से भाई पुलिस इसको एक वाला नेट मार करके आराम से क्लियर कर देते हैं। और भाई साहब एक जो ऊपर वाला बंदा था वो अपनी गाड़ी उठाकर आ जाता है मॉल के अंदर और भाई अब देखना उसको कैसे क्लियर करते हैं। और बट उससे पहले हम लोग गाड़ी उठाते हैं और भाई यहाँ पे मैं गाड़ी चेंज करने के लिए जाता हूँ, बट थोड़ा सा अपने को टाइम लग जाता है और उतने में भाई वो वाला बंदा मॉल पे एंट्री मार जाता है। और हम लोग आते हैं भाई रूफ टॉप पे और वो बंदा एग्जैक्ट यहीं पे था। बस अभी देखो आप लोग, बट यहाँ पे जो सीन होता है वो भी एक नेक्स्ट लेवल का है। आपको देख के शायद से हंसी आए, बट यार चलो जो चलो है मैं वो चला एक गया। किल का लालच भाई बहुत ही बुरा होता है किसी भी गेम में आप लोग खेलो। अब यहाँ पे सामने एक बंदा स्पॉट होता है भाई जिसके बाद मैं अपने टीममेट को बताता हूँ और मतलब वो वाला बंदा बिल्कुल आगे जाता तो भाई यहाँ पे इस वाले नेट से मैं अपने टीममेट को ही उड़ा देता हूँ ताकि वो वाला किल मेरे को मिल सके। तो यार यहाँ पे हम लोग अपने टीममेट को उड़ा देते हैं और वो वाले किल काफ़ी इजली हम लोग ले लेते हैं। और अब बारी थी अपने टीममेट को रिवाइव करने की और रिवाइव करके हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ। और आगे भाई सामना होता है हम लोगों का इस वाले बंदे से और इसका एक बंदा और था जिसको हम लोग आगे जाकर मारने वाले, बट इस उससे पहले भाई ये वाला किल देते। अब भाई साहब इस वाले बंदे के लिए दिल से बुरा लगता है बिकॉज ये वाला बंदा ट्राई तो अच्छी खासी करता है, बट यार इसको काफी इजीली क्लियर कर देते हैं। और भाई अब चलते हैं इसके सेकंड वाले बंदे की तरफ और भाई यहाँ पे ये वाला बंदा अकेला बचा हुआ था तो देखो इसको अभी कैसे किल करते हैं। और बट उससे पहले यार ये वाला भाई काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, बस इसको देखो कैसे भगा भगा के भी मारेंगे। अब ये वाला बंदा भाई बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है जिसके बाद इसको काफ़ी इजीली क्लियर करते हैं। और उसके बाद भाई गाड़ी उठाते हैं और सामने की तरफ एक स्क्वाड थे जिसको अब हम लोगों को क्लियर करना था। और भाई वहाँ पे जाके जो ओपी नेड किया है बस वो देखो भाई आप लोग फिदा हो जाओगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये वाला बंदा ओपन में पता नहीं क्या ही कर रहा होता है और उसके बाद इन वाले भाइयों को देखो। और यहाँ पे भाई ये वाला नेड आपको देखकर कसम से मज़े आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक नेड में भाई दो बंदे निपट जाते हैं और भाई साहब उसके बाद ये वाली स्क्वाड काफ़ी इजीली क्लियर हो जाती है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जल्दबाजी में अपनी मॉली में चले जाते हैं जिसके बाद अपने को हील वगैरह करनी थी और भाई यहाँ पे अपना पूरा जोन सरवाइव होने वाला था। बस लास्ट में जो इंटेंस सिचुएशन बनती भाई वो देखना आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। और भाई ज़रूर से बताना आपको ये वाला गेम प्ले कैसा लगा है अभी तक। अब यहाँ पे देखो हम लोग ये वाला कंपाउंड होल्ड कर रहे थे और भाई लास्ट का जोन आ चुका था और सामने ये वाला बंदा दिखता है भाई जिसको कि मैं नॉक करता हूँ, बट यार इसका एक टीममेट और बच रहा होता है जो कि अपना गेम लास्ट में खराब करता है बिकॉज उस पर हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते।
अब अगर भाई यहाँ पे लास्ट वाले बंदे को मैंने थोड़ा भी ध्यान रखा हुआ होता तो अपने साथ जो सीन होता है भाई वो बिल्कुल भी नहीं होता। बट यार अभी सामने देखो ये वाली स्क्वाड थी जिसको कि भाई जोन के अंदर आना था, तो भाई यहाँ पर मैं आता हूँ गाड़ी ना चाहता हूँ, बट ये वाला बंदा ऑलमोस्ट भाई बच जाता है। बट अपने टीम मेट यहाँ पर एक गलती करता है यार, वो डायरेक्ट स्लैम दे देता है और इनके बंदे इसको बीच में घेर लेते हैं और भाई नॉक एंड फिनिश कर देते हैं, जिसके बाद अपने पे थोड़ा सा प्रेशर आ चुका था। तो भाई अब लोग जाते हैं अपनी एक अच्छी सी पोजीशन होल्ड करते हैं और उसके बाद देखो क्या ही सीन होता है। बस जोन पे उनको जोन है नहीं, आएंगे वो। आराम से। अब यहाँ पे भाई इन लोगों को अच्छा खासा डैमेज देते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों की ये थी कि भाई इनको जोन में आना था, बट उससे पहले अपने साथ देखने की कितना गलत सीन होता भाई। अगर ये चीज़ ना हुई होती तो शायद से इनके दो किल तो मेरे को देखो डेफिनेटली मिलने वाले थे, बट किस्मत में भाई कुछ और ही था। तो यहाँ पे देखो अब ये वाला बंदा यार पीछे से अगर ना होता तो यहाँ पे सीन कुछ और ही होता, बिकॉज सामने जो बंदे थे उनमें उनके ऑलमोस्ट दो किल अपने को मिल जाते और इस वाले भाई को अपना टीममेट क्लियर कर देता, बिकॉज जो पीछे स्क्वाड थी जिससे मैं ऑलरेडी फाइट ले रहा था वो जोन से चली जाती है। तो आई होप यार आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों जरूर शेयर कर दो।